वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीटेक सॉल्यूशन में। उमा शंकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये हमारे पास एचपी का पीसी आया है डेस्कटॉप, तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, चार बार बीप आता है और रेड लाइट जलता है। दोस्तों आपके ऐसे प्रॉब्लम आने पे आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि ये प्रॉब्लम किसका हो सकता है। आप रैम को चेंज करके देखते हैं या प्रोसेसर को देखते हैं, मदरबोर्ड में लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो दोस्तों ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख रही हैं, चार बार बीप करके चार बार लाइट चालू होता है, चालू बंद, उसके बाद वापस से फिर से बीप चालू होता है, चार चार बार करके इसे चार बार टोटल आता है। तो सबसे पहले आप दोस्तों इसका बीप सुनिए, ये बीप कितनी बार दे रहा है और ये रेड लाइट है, मदरबोर्ड में पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप पहले देख लीजिए, उसके बाद कन्फर्म हो जाइए, उसके बाद फिर हम देखते हैं। एक बार पावर सप्लाई को पावर दे के हम पावर ऑन करके देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। रैम का सब उसको साफ करके एक बार क्लीन करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें जितने भी केबल हैं उसको डिस्कनेक्ट करके एक बार साफ करके अच्छे से हवा मार के इसमें रैम को साफ कर देंगे, प्रोसेसर निकाल के साफ कर देंगे। वो सब करने के बाद लास्ट में हम इसको दूसरा प्रोसेस देखेंगे कि आखिरकार ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। ये हमारी पावर सप्लाई है, आप देख सकते हैं नया पावर सप्लाई, तो इसको हम चेंज करके देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, शायद कि इसमें पावर सप्लाई का प्रॉब्लम हो। तो आइए हम पहले जल्दी जल्दी इसका हम पावर सप्लाई चेंज करके देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हम इसका सारा केबल निकाल देते हैं पावर सप्लाई का, जो इसमें टोटल तीन केबल होते हैं आप देख सकते हैं, तो ये केबल हमने निकाल दिया है दोस्तों। तो ये पावर सप्लाई को हम बाहर निकाल के रख देते हैं और नया वाला पावर सप्लाई इसमें हम डाल के एक बार ऑन करके देख लेते हैं पीसी। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना दोस्तों। ऐसे ही हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। कोई भी प्रॉब्लम होगा कंप्यूटर प्रिंटर कैमरा में से रिलेटेड तो हम आपको ज़रूर बताएंगे दोस्तों। तो जैसा कि हमने पावर सप्लाई लगा दिया है और सारे केबल को कनेक्ट कर देते हैं वापस से, तो दोस्तों मार्केट में ये आपको आसानी से मिल जाएगा पावर सप्लाई, ऐसा कोई टफ नहीं है। तो हमने पावर सप्लाई का केबल लगा दिया है दोस्तों, तो लास्ट में ये भी केबल लगा देता हूँ। तो जैसा कि आप तीनों केबल देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला काम आप ऐसा करिएगा कि हार्ड डिस्क का केबल ज़रूर निकाल दीजिएगा, क्योंकि हार्ड डिस्क हो सकता है कि कोई शॉर्टिंग होगा तो आपका हार्ड डिस्क से डेटा जाने का थोड़ा रिक्स रहेगा, तो हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ सकता है। तो हार्ड डिस्क को बाहर ही पहले केबल को डिस्कनेक्ट करके उसके बाद ही चालू करके आप देखिएगा, फिर उसके बाद आपको हार्ड डिस्क कनेक्ट करना है। तो जैसा कि हमने पावर सप्लाई इसमें लगा दिया है, तो आइए पहले हम इसको पावर देके चेक कर लेते हैं कि इसमें ये हम इसका फ़ैन लगा देते हैं ताकि ये फ़ैन कूलिंग करता रहे बराबर। फ़ैन का कवर है दोस्तों, क्योंकि फ़ैन का कवर अगर लगा नहीं होगा तो ये हमारे प्रोसेसर को कूल नहीं करेगा। तो ये चालू होके हो सकता है थोड़ी देर में बंद हो जाए, तो इसमें हमें डाउट ऐसा होगा कि ये अचानक बंद क्यों हो जा रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें दो जगह बना हुआ है, तो इसमें जाके बैठ जाएगा आसानी से। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये छोटा सा घाट बना हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि हमने इसको फिट कर दिया है, तो आइए हम इसको चालू करके देखते हैं। तो हमने बहुत छोटा वीडियो बनाया है दोस्तों आपके लिए, बहुत शॉर्ट करके, ताकि आपको जल्दी से आपको सोल्यूशन मिल जाए, ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो हमने केबल को कनेक्ट कर दिया है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये ऑन हुआ कि नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमने पावर को ऑन कर दिया है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले इसमें रेड लाइट आती थी और ब्लिंकिंग करती थी, अभी भी येलो हो गई। तो आप जैसे कि डिस्प्ले में भी देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले आ चुका है, और हार्ड डिस्क को भी मैंने कनेक्ट कर दिया है, थोड़ा वीडियो को कट कर दिया है दोस्तों, ताकि आपको जल्दी से एकदम जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी में मैंने आपको सब बताया है दोस्तों, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को आपको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं कि केबल ऐसे निकालो, केबल ऐसे लगाओ, कवर ऐसे खोलो, ऐसा कुछ। तो अगर आपको थोड़ा भी अगर नॉलेज होगा तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने केबल को कनेक्ट किया, ये हमारा विंडोज़ ओपन हो रहा है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना ना मत भूलना दोस्तों।
क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारा पीसी कंप्लीट एकदम चालू हो गया है दोस्तों, एक लाइक ज़रूर करना मेरे यारों। तो ये इसका पुराना वाला है जो कि ये ख़राब है दोस्तों, ये रिपेयर तो होता नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन दोस्तों कोई करता नहीं, और इसमें टाइम बहुत जाता है और रिज़ल्ट वैसा नहीं होता कि जैसा होना चाहिए। तो हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि दूसरा ही पावर सप्लाई डाल देंगे, और इसमें जितने कि आप इसमें रिपेयर करने जाएंगे एक एक पार्ट्स ढूंढेंगे और जल्दी इसका पार्ट्स मिलता नहीं जो कंपोनेंट होते हैं, और ये रिपेयर करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाएगा। और कस्टमर को क्या होता है कि उनको जल्दी ही चाहिए होती है इसके लिए, तो रिपेयर होने का चांसेस भी बहुत कम होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमारा पीसी एकदम कंप्लीट चालू हो गया है, वर्किंग कर रहा है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी हेल्प मिल सके अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।